अभी जैसा हम फंडामेंटल बात कर रहे थे इलास्टिसिटी का, यंग्स मॉडुलस का, तो सबसे पहले हम यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, सपोज अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए एंड यंग्स मॉडुलस वाई इज पुल्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ एट बोथ ऑफ इट्स एंड एज सो, फाइंड द टोटल इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ द रॉड। जैसे ये एक रॉड है, इस रॉड पे दोनों तरफ एफ फोर्स लगा के, एक फोर्स लगा के इधर से खींच रहा है और एक फोर्स लगा के इधर से खींच रहा है। तो अगर हम एक रॉड को दोनों तरफ से खींचते हैं तो इस रॉड में जो बीच में टेंशन होगा कहीं पे, तो हमें पता है टेंशन क्योंकि ये रॉड ओवरऑल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा सो टेंशन इन द रॉड जो रहेगा हमेशा एफ के बराबर रहेगा। मतलब कहीं पे भी रॉड में अगर हम देखेंगे पॉइंट वन पे भी टेंशन टी ही रहेगा, पॉइंट टू पे भी टेंशन टी ही रहेगा, और टेंशन क्योंकि दोनों तरफ इस पे अप्लाई होता है, इधर वाले पोर्शन को देखेंगे तो टेंशन इधर लग रहा होगा और इधर वाले पोर्शन को अगर हम बात करेंगे तो टेंशन इधर लग रहा है। जैसे धागे में टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ता है, जो लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इस रॉड में क्योंकि टेंशन हर जगह सेम रहेगा तो हम बोलेंगे यहां पे स्ट्रेस, हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है यहां पे, और स्ट्रेस क्योंकि टेंशन इसमें जो है, जो टेंशन इसमें रॉड में हो रहा है वो टी के कारण हो रहा है, और टी किसके बराबर, एफ। सो टेंशन हो जाएगा हमारा एफ एंड दैट इज एरिया, ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। मान लेते हैं कि इस रॉड का थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया इस टेंशन के कारण, इस स्ट्रेचिंग फोर्स के कारण इस रॉड का लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया। मान लेते कितना इंक्रीज हो गया लेंथ, एक्स। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेन एक्चुअली एक्स बाई एल। तो यहां से हम बोलेंगे और एक्स इज इक्वल टू एफ एल बाई ए इंटू वाई। मतलब ये रॉड में क्योंकि टेंशन हर जगह सेम है सो टोटल इलोंगेशन हमारा हो जाएगा एफ एल बाई ए वाई। ये हमारा इसका आंसर होगा, दिस इज द टोटल इलोंगेशन इन द रॉड। ऐसे भी एक रॉड को, एक मासलेस रॉड को अगर हमें रोक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि या तो हमें इसे दीवार से फिक्स करना पड़ेगा, दीवार से फिक्स करेंगे और तब फोर्स लगाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज एक मासलेस चीज पे हम फोर्स तो लगा ही नहीं सकते। और अगर मासलेस चीज में फोर्स लगा देंगे और अगर वो अनबैलेंस हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम मासलेस रॉड में फोर्स लगाएं। तो ये रॉड को अगर मासलेस मानते हैं तो इसको दोनों तरफ से रोकना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा, और दोनों तरफ से एफ एफ फोर्स लगाएंगे तो इस रॉड में जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो एफ बाई ए ही होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब इससे थोड़ा सा भारी क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे ये एक रॉड है, ये रॉड को तीन अलग अलग फोर्स से हम खींच रहे हैं। पहला फोर्स ये 4F है जो कि इस तरफ एक्ट कर रहा, दूसरा फोर्स कहीं यहां पे एक्ट कर रहा है जो कि F है, और तीसरा फोर्स 3F इधर एक्ट कर रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि इस तरफ का टोटल फोर्स कितना है 3F प्लस F। टोटल इस रॉड को अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स 4F एक्ट कर रहा है और इधर भी 4F एक्ट कर रहा है। बट इस रॉड को अगर हम देखें, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, अगर हम इस रॉड को यहां से काट दें जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इस रॉड का दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस, दिया हुआ एरिया, दिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ और लेंथ भी दिया हुआ है, और ये लेंथ दिया हुआ एल बाई थ्री, मतलब यहां से यहां तक जो ये लेंथ है ये एल बाई थ्री है और ये जो लेंथ है ये टू एल बाई थ्री है। इस रॉड को हमने दो अलग अलग पार्ट में काट दिया, ये दो अलग अलग पार्ट में, क्योंकि ओवरऑल ये रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये रॉड ओवरऑल इक्विलिब्रियम में है तो हम देखते हैं कि इस पर टेंशन क्या होगा। तो यहां पर फोर्स तो 4F है और यहां पर फोर्स है 3F। अब क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट जो है इस रॉड का, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का रॉड का इक्विलिब्रियम में, तो इस तरफ अगर 4F है तो इस तरफ भी फोर्स कितना होना चाहिए, 4F। भले ही हम फोर्स F लगा रहे हैं बट ये 4F है, इस तरफ से 3F है तो इधर भी फोर्स क्या हो जाएगा, 3F। तो ये जो पॉइंट P है यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट 4F और 3F का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दैट इज F। ये 4F इधर लग रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा 4F माइनस 3F, दैट इज इक्वल टू F, और ओवरऑल ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस रॉड में, कहने का मतलब इसका रॉड का जो पहला पोर्शन है इसमें अगर हम देखें तो इधर 4F लग रहा और इधर भी 4F लग रहा, सो पहला पार्ट में जो टेंशन होगा
वो टेंशन इन फर्स्ट पार्ट जो होगा यहां पे दैट इज इक्वल टू 4F और इसका ओरिजिनल लेंथ L बाई 3 है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में, इसको दो पार्ट में हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट में टेंशन अलग अलग है और टेंशन क्योंकि अलग अलग है इसीलिए हमें ये दो पार्ट में सोचना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक पार्ट को अलग देख रहे हैं और एक पार्ट को अलग देख रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्योंकि अलग दो एंड पे फोर्स लग रहा था इसीलिए टेंशन थ्रू आउट सेम था। यहां पे रॉड का लेंथ, यहां पर अगर हम देखें तो बीच में हम एक एडिशनल फोर्स बीच में लगा दिए हैं, तो इसके कारण इस फर्स्ट पोर्शन में और सेकंड पोर्शन में टेंशन अलग अलग हो जाएगा। मतलब टेंशन इन सेकंड पार्ट जो हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 3F ये टेंशन देगा और टेंशन इन सेकंड पार्ट जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3F। अब हम लिखेंगे पहला पार्ट का बात करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट का अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो है T1 by area, क्योंकि एरिया दोनों का सेम रहेगा, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू, इसमें मान लेते हैं कि पहला पार्ट में जो इलोंगेशन हुआ, मान लेते हैं कितना इलोंगेशन हुआ, इसमें इलोंगेशन हुआ X1 और इसमें इलोंगेशन कितना हुआ मान लेते हैं X2। तो पहला पार्ट में जो इलोंगेशन हुआ हमने मान लिया X1, तो ये हो जाएगा X1 बाई ओरिजिनल लेंथ। पहला पार्ट का ओरिजिनल लेंथ है L/3। तो यहां से हमारा X1 का जो वैल्यू आएगा ये लिख लेते हैं, ये हो जाएगा T1। T1 का मतलब कितना है, T1 इज 4F, तो यहां लिख लेते हैं इट इज 4F, ये 4F हो गया और L/3, यहां L भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3A और Y आ जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4FL/3AY। इसी तरह से सेकेंड पार्ट का अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में स्ट्रेस हो जाएगा T2/area, इसका टेंशन कितना है T2 और T2 का वैल्यू हमें पता है 3F, वो बाद में रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू इलोंगेशन X2 बाई, इसका ओरिजिनल लेंथ सेकंड पार्ट का कितना है 2L/3, तो इट इज 2L/3। यहां से हम बोलेंगे तो ये हमारा जो X2 हो जाएगा ये हो जाएगा T2 का वैल्यू हमारा 3F, T2 का वैल्यू हमारा 3F, तो यहां लिख देते हैं 3F इंटू 2L/3 इंटू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। ये 2L/3 इधर ले आते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दिए, ये 3 कट गया तो X हमारा हो गया 2FL/area इंटू यंग्स मॉडुलस, ये हमारा X2 हो गया। सो टोटल जो इंक्रीमेंट होगा लेंथ में वो टोटल X टोटल जो हम बोलेंगे दैट इज इक्वल टू X1 + X2। मतलब कुछ लेंथ यहां इस पोर्शन में बढ़ेगा और कुछ लेंथ इसमें बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग टेंशन है इसलिए हमने दोनों को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना बना करके सॉल्व किया और X1 और X2 को जोड़ देंगे तो X1 है 4FL/3AY प्लस 2FL/area इंटू Y, ये हो जाएगा हमारा 10FL/3AY, दिस इज द टोटल इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ दिस रॉड, ये इसका आंसर होगा 10FL/3AY। जब रॉड के अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टेंशन होगा, जितनी बार टेंशन बदलेगा उतनी बार हमें ये अलग अलग, क्योंकि स्ट्रेस अलग अलग हो जाएगा, स्ट्रेस अलग अलग हो जाएगा तो स्ट्रेन अलग अलग होगा, तो जितने बार टेंशन बदलेगा, जैसे इस पोर्शन में टेंशन 4F है, इस पोर्शन में टेंशन 3F है, और टेंशन हमेशा बैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है और बैलेंस फोर्स के कारण टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। सो यहां पर क्योंकि बैलेंस फोर्स 4F ही है, यहां पर बैलेंस फोर्स 3F है, सो यहां पर टेंशन T2 3F हो गया और यहां पर टेंशन 4F हो गया और इससे हमने टोटल इलोंगेशन रॉड में निकाल लिया। मतलब ये जो रॉड है इसका लेंथ बढ़ेगा टोटल X1 + X2, इसका आंसर हो जाएगा 10FL/3AY।